conversion from decimal number to other number system. Decimal number to other number system, किसी भी number को decimal में है जो उसको other number system में बदलने के लिए क्या किया जाता है. किसी भी number को अगर आप decimal से किसी दूसरा number system में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो other का मतलब है decimal के अलावा कौन से आपने पढ़े, binary, octal और hexadecimal, तो ये तीन है. तो अगर आप डेसिमल से बाइनरी में जाना चाहते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जाना चाहते हैं, डेसिमल से हेक्सा में जाना चाहते हैं, तो आपको एक ही रूल फॉलो करना है. क्या करना है, वो जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, जैसे कोई कहता है मेरे पास 25 है, ये डेसिमल नंबर है, ये इसकी बेस मैंने लिख दी, अब ये 25 है, वरना अगर मैं बेस नहीं लिखूंगा तो 2 और 5 सिंबल तो ऑक्टल में भी होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी होते हैं, तो पता कैसे चलेगा ये नंबर डेसिमल का है, बाइनरी का है, डेसिमल का है, हेक्सा का है या ऑक्टल का है, इसीलिए बेस लिखी जाती है. और अब मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैंने यहाँ कहा कि मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दो, 25 है वही डेसिमल नंबर है, मुझे इसे कन्वर्ट करके दो ऑक्टल में, और ये 25 है ये डेसिमल नंबर है, मुझे इसे कन्वर्ट करके दो हेक्साडेसिमल में, तो मुझे तीनों में चाहिए. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका रूल बड़ा कॉमन है, बड़ा बेसिक रूल है. क्या रूल है, ये नंबर सिस्टम कुछ नहीं होते, ये नंबर सिस्टम जो बेस वैल्यू है ना इससे डिवाइड करते हैं नंबर को, 25 को इस बेस वैल्यू से डिवाइड करो और डिवाइड करके इनके रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो. ये जो नंबर्स आएंगे ये इसके बाइनरी नंबर होगा. 25 को 8 से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करो जब तक कि जो रिमाइंडर है वो, जब तक कि जो कोशेंट है वो 8 से छोटा ना हो जाए, तब तक करते रहो और जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको रिवर्स में स्टोर करो. यही चीज हेक्साडेसिमल के साथ है. अब मैं आपको एक एक करके इसको बता देता हूँ ये कैसे होगा. मुझे किसी ने एक नंबर दिया 25, मुझसे कहता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, बाइनरी में कन्वर्ट करके दो, तो मेरा काम यह है कि ये नंबर है मेरे पास और मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल में है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 10 से 2 में जाना है, बेस 10 से बेस 2 में. तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे नंबर दिया है उस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा उसकी बेस वैल्यू से. किसकी बेस वैल्यू से, टारगेट नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू से, और मैं रिमाइंडर स्टोर करता जाऊँगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब आप खुद बताओ कि जब आप 25 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है और कोशेंट क्या आता है. 12 यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा आपका कोशेंट, 1 आएगा आपका रिमाइंडर, 12 आएगा आपका कोशेंट. तो आपको 12 यहां लिखना है और रिमाइंडर आपको इधर लिख देना है. अब आपको ये फिर से जो नंबर आया ना कोशेंट 12, आपको इसे फिर से 2 से डिवाइड करना है और तब तक इस कोशेंट को डिवाइड करते जाना है जब तक कि कोशेंट इस 2 से छोटा नहीं हो जाए. तो 2, 6 और 12, अब 12 को आप जब डिवाइड करते हो, रफ मैं बता दे रहा हूँ एक बार क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा जल्दी समझना मुश्किल होता है, तो मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे पता है इसका कोशेंट 6 आएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा. तो मैं रिमाइंडर यहाँ लिख दूंगा, कोशेंट यहाँ लिख दूंगा. अब यही काम मैं 6 के साथ करूंगा. अब सबको पता है 2, 3 जो 6 होता है, तो 3 कोशेंट आ गया और 6, 0 रिमाइंडर आया. अब 2 से मुझे 3 को डिवाइड करना है, डिवाइड करता रहूंगा जब तक कि रिमाइंडर छोटा, क्वेश्चन छोटा नहीं आ जाता. तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 1s आ जाएगा, एक बार जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा. तो मेरा जो आंसर बना है वो क्या बना, जो आंसर मैं स्टोर करूंगा रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करूंगा, तो जो मेरा आंसर बना वो बना 1101. बोलो समझ में आ रही है बात. इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा टॉपिक देता हूँ. दूसरा क्या है, किसी ने कहा कि सर यही 25 था सर और मेरे पास डेसिमल में था, मुझे ऑक्टल चाहिए था. तो अगर आपको ऑक्टल चाहिए तो जो भी आपने काम किया है कि जो बेस वैल्यू है, टारगेट नंबर, जो नंबर आपको चाहिए जिस टारगेट बेस में चाहिए वो है 8, तो आपने 8 से डिवाइड करना है 25 को. ठीक है, अब आप डिवाइड करो आपको पता चल जाएगा, यहाँ आपने रिमाइंडर लिखना है. तो 8, 3 से 24 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है जी, 8 से, तो आपको पता है कितना आने वाला है. सो 8, 3 से कितना होगा 24, रिमाइंडर बचा है 1 और कोशेंट आया 3, तो कोशेंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, आंसर खत्म हो गया. क्योंकि ये जो नंबर है 8, 3 वो 8 से छोटा हो गया, अब आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो आंसर कितना बना इसका, 31 बना. ठीक है, अभी हम आपको इसके रिवर्स का भी समझाएंगे कि कैसे ऑक्टल से डेसिमल में आते हैं, उसका भी एक कॉमन रूल है. यानी डेसिमल से जब आप दूसरे नंबर सिस्टम में जाओगे तो एक कॉमन रूल है. क्या रूल है, मैंने समझा दिया कि आपको टारगेट बेस से उस गिवन नंबर को डिवाइड करते रहना है और उसके रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है. अब इसी तरीके से आपको किसी ने दिया कि ये नंबर है मेरे पास 25 और मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दो, तो मैं 16 में चाहिए तो मैं बेस से कन्वर्ट करूंगा, 25 डिवाइड बाई 16,
तो रिमाइंडर में यहाँ रखूंगा तो 16 वंस आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है भाई, 9 आएगा, तो मेरा आंसर कितना बना, कितना बना, ये बना, तो आंसर कितना आया 19। यहां तक क्लियर है सबको? ताकि कभी भी तुम डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हो, तीन ही नंबर सिस्टम है इसके अलावा, टोटल चार नंबर सिस्टम पढ़ाए हमने, किसी तीसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हो, किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हो, तो तुमको यही रूल फॉलो करना है।